अभी तक हमने ये सब सीखे कि मोबाइल ऐप और वेब ऐप को फ्लटर में कैसे रन किया जाता है, ठीक है। पहले एपिसोड में हमने फ्लटर को इंस्टॉल किए, वहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट मोबाइल ऐप रन किए, ठीक है। उसके बाद हमने देखे कि फ्लटर विजेट्स क्या होते हैं। फ्लटर विजेट्स के बारे में डीप ट्यूटोरियल हमने कवर किया, जिसमें हमने हर विजेट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखे, ठीक है। उसके बाद हमने मोबाइल ऐप में रजिस्टर और लॉगिन स्क्रीन क्रिएट किए। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो भी डेटा उस रजिस्टर स्क्रीन पर हम एंटर करेंगे मोबाइल ऐप में, वो फायरबेस में कैसे जाके स्टोर होए, उसी डेटा की मदद से हम यूज़र को कैसे लॉगिन करवाएं, ठीक है। तो फ्लटर फायरबेस के इस ट्यूटोरियल में आपको ये सब सीखने मिलेगा कि किस तरीके से फ्लटर और फायरबेस को कनेक्ट किया जाता है, और साथ ही साथ हम फॉरगेट पासवर्ड का फीचर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ईमेल कैसे सेंड किया जाता है रीसेट पासवर्ड का, और वहाँ से पासवर्ड अपडेट करके फायरबेस में कैसे वो अपडेट होगा, ये सब चीज़ें भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। और मेरे वीडियो को अगर आप पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब गाइस सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि फ्लटर फायरबेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है, इंप्लीमेंट करते हैं फंक्शनैलिटी। फ्लटर ट्यूटोरियल के पार्ट वन में हमने देखा था कि किस तरीके से रजिस्टर और लॉगिन का यूआई क्रिएट किया जाता है फ्लटर में, राइट। तो ये हमने स्क्रीन क्रिएट किए थे, जिसमें हमने ईमेल टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड और ये हेडर डाला था, और साइन अप बटन पे क्लिक करने पे रजिस्टर वाला पेज ओपन होता था, राइट। इस वीडियो में अब हम कवर करेंगे कि ये जो भी डेटा यहाँ पे एंटर हो रहा है, इसके थ्रू हम फायरबेस में डेटा को ऐड कर सके, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है फायरबेस, ठीक है। जैसे ही आप गूगल पे फायरबेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कंसोल ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है एक ऐड प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे डेमो कोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, सिलेक्ट एन अकाउंट, क्रिएट प्रोजेक्ट। अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, आपके पास में कुछ सेटिंग्स आएगी फायरबेस की, वो आप लोगों को विजुअल स्टूडियो में ऐड करना है, ठीक है। उन सेटिंग्स के बेसिस पर ही आप जो भी डेटा ऐप में एंटर करेंगे वो फायरबेस डेटाबेस में स्टोर होगा। फायरबेस के ऑथेंटिकेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ से एंड्रॉयड चूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एंड्रॉयड पैकेज नेम वो पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एंड्रॉयड में जाके इस एंड्रॉयड फोल्डर में आपको ऐप में जाके बिल्ड डॉट ग्रेडल ढूंढना है, और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन आईडी सर्च करना है, ठीक है। ऐसे सर्च बॉक्स में आप एप्लीकेशन आईडी सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा com.example.codesify ऐप, यही आपको इसमें एंटर करना है, ठीक है। ऐप का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं अभी के लिए डेमो कोर्सेस ही दे देता हूँ, और यहाँ पे हम रजिस्टर कर देंगे। अब जैसे ही ये रजिस्टर हो गया तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं googleservices.jsn। ये वाली फ़ाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी सेटिंग्स है ना फायरबेस से फ्लटर को कनेक्ट करने की, वो इसी फाइल में है। तो googleservices.jsn आपको डाउनलोड करना है, और इसको यहां पे लिखा है स्विच टू प्रोजेक्ट व्यू इन एंड्रॉयड स्टूडियो, मेक श्योर यू डाउनलोडेड googleservices.jsn फाइल इन टू योर मॉड्यूल ऐप लेवल रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो आपको ये ऐप लेवल की रूट डायरेक्टरी में ऐड करना है। अभी मैंने ये ऐड किया हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एंड्रॉयड में यहाँ पे ऐप लेवल पे इस फाइल को ड्रैग कर देना है, ठीक है। इसमें ये क्योंकि मेरी दूसरी फाइल है, तो मैं इसको googleservices.json प्रॉपर नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ऐप के अंदर आपको इस फाइल को डालना है। अगर मैं इसका आपको फोल्डर में दिखाऊं किस तरीके से दिखता है, तो ऐप में googleservices.jsn आपको इस तरीके से दिखना चाहिए, जिसमें भी बिल्ड डॉट ग्रेडल है बेसिकली, ठीक है। ये एक सेटिंग हो गई। उसके बाद में आपको इसको कर देना है नेक्स्ट।
अब यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स दिख रही है, ये आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट लेवल, प्रोजेक्ट लेवल, ग्रेडल फाइल में आपको ये वाली लाइन ऐड करना है, गूगल सर्विसेज वाली, ठीक है। तो एंड्रॉयड में रूट लेवल ग्रेडल जो है ये वाला, इसके अंदर वाला नहीं, ये ग्रेडल, इसमें बिल्ड डॉट ग्रेडल है। यहाँ पे आपको ये क्लास पाथ मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो वैसे ही आपको भी यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, गूगल सर्विसेज वाला इस डिपेंडेंसीज में। इसमें से हमने ये वाला कॉपी किया, ठीक है, क्लास पाथ, बस इतना ही कॉपी करना है इसमें से। अब ये जो दूसरा सेटिंग है ये है ऐप लेवल ग्रेडल फाइल में, ठीक है, तो ये कॉपी करेंगे हम लोग ऐप लेवल ग्रेडल फाइल में। तो ऐप में जाएंगे हम लोग और इसमें ग्रेडल फाइल ढूंढेंगे, ठीक है। अब इसमें हम सर्च करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, तो लास्ट में यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने ऐड की हुई है जो यहाँ पे दी हुई थी, एक ये वाली इम्प्लीमेंटेशन और ये इम्प्लीमेंटेशन। अब ये होने के बाद आपको नेक्स्ट करना है और कंटिन्यू टू कंसोल। तो इससे क्या हो गया, फायरबेस की जितनी भी सेटिंग्स थी वो हमारी हो गई क्लियर। अब आपको यहाँ पे बिल्ड में जाके ऑथेंटिकेशन को ऑन करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइन इन, रजिस्टर एंड लॉग इन करेंगे, तो हमें ऑथेंटिकेशन को ऑन करना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैंने गेट स्टार्टेड पे किया और मैं ईमेल पासवर्ड यहाँ से एनेबल कर देता हूँ, ठीक है, इसको सेव कर देंगे। ये हो गया हमारा ऑथेंटिकेशन। अब हम फायर स्टोर डेटाबेस को भी एनेबल कर देते हैं, यहाँ से क्रिएट डेटाबेस हम करेंगे और इसको प्रोडक्शन मोड में ही रहने देते हैं, नेक्स्ट और एनेबल कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है पर ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे यूज़र्स नाम का, जिसमें जो भी यूज़र यूज़र को रजिस्टर करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसको मैं ऑटो आईडी दे देंगे और सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक कलेक्शन भी क्रिएट हो चुका है यूज़र्स नाम का, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फायरबेस की सब सेटिंग्स। अब आपको फ्लटर में फायरबेस को इंस्टॉल करना है, तो आपको यहाँ पे pubspec.yml फाइल में ये चार चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं, क्लाउड फायर स्टोर ये वर्जन हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, फायरबेस ऑथ का ये वाला वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे, फायरबेस कोर का ये वाला वर्जन इंस्टॉल करेंगे। इस तरीके से आपको ये पांच चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब आप इसको सेव भी करेंगे यानी कंट्रोल एस भी करेंगे, तो यहाँ पे एक पब डॉट गेट नाम की फाइल ऑटोमेटिकली कॉल होती है। अगर वो नहीं हो रही है तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं गेट पैकेजेस का एक एरो दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो पब गेट रनिंग हो रहा है, ठीक है। अब ये मेरे इसमें मैंने इंस्टॉल किया है तो ये डायरेक्टली हो रहा है, आपके इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये सेटिंग आपको करनी है, ठीक है। अब जो भी सेटअप था ना हमारा वो क्रिएट हो चुका है, अब इसको हमको रन करना है, ठीक है। तो आप इसको रन कर सकते हैं फ्लटर रन कमांड से, तो ये हमारा ऐप जो रन हो रहा था। अब फॉर बेटर क्लैरिटी मैं यही कोड को एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करता हूँ, ताकि आपको और क्लैरिटी आए कि ऐप किस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। एक रियल सिमुलेटर हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे मोबाइल का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च करके अपने सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो पहले इंस्टॉल कर दीजिए, ताकि आप रियल मोबाइल सिम्युलेटर में उसको रन कर सके, ठीक है। अब यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैंने ये एंड्रॉयड स्टूडियो अपने इसमें इंस्टॉल कर दिया है, इसको जो भी प्रोजेक्ट है इस पर आप फोल्डर में जाएंगे, ठीक है, ये कोडजिफाई ऐप मेरा फोल्डर का नाम है, मैं इसको ड्रैग कर दूंगा इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो में, बस इतना ही आपको करना है इसमें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन डॉट डाट फाइल में आना है, ठीक है। पिछले एपिसोड में यहाँ पे आपको माई ऐप दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे HTFL स्टेटफुल विजेट यहाँ पे क्रिएट करना है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मेन स्क्रीन, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा विजेट रेडी हो जाएगा। अब इसी को ही यहाँ पे मेन फंक्शन में हम लोग कॉल करेंगे, मेन स्क्रीन यहाँ से हमने कॉल किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो सबसे पहले हमने यहाँ पे रूट्स क्रिएट किए थे ना, राउट्स, वो हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक मटेरियल ऐप क्रिएट किया था, उसमें हम जो बैनर है उसको पहले हटा देते हैं, फॉल्स कर देते हैं इसको, यहाँ पे इनिशियल रूट हमारा था लॉगिन, ठीक है। और हमने यहाँ पे राउट्स क्रिएट किए थे
जिनका कॉन्टेक्स्ट हमने ये किया था सेट, ठीक है। ये एक मैप था, यहाँ पे हमने लॉगिन को बोला कि लॉगिन कॉन्टेक्स्ट लॉगिन पेज पे चले जाए, ठीक है। वैसे ही हमने बोला कि रजिस्टर नाम जहाँ पर भी हम ऐप में यूज़ करेंगे तो वो इस पेज पे चला जाए, रजिस्टर पेज पे, ठीक है। इतनी हमने सेटिंग किया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि फायरबेस आपको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको उसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए आपको विजेट फ्लटर बाइंडिंग एंश्योर इनिशियलाइज्ड, तो इससे क्या होगा वो चेक करेगा, अगर फायरबेस इनिशियलाइज़ नहीं है तो वो उसको सबसे पहले इनिशियलाइज़ करेगा, नहीं तो वो ऐप को आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमने श्योर कर दिया कि इनिशियलाइज़ हो जाए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे असिंक लगाना है कि ये टास्क जब तक नहीं होता है, इनिशियलाइज़ नहीं हो जाता है फायरबेस, तब तक मेन स्क्रीन कॉल नहीं होगी। तो ये असिंक और अवेट के थ्रू आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये फ्लटर इनिशियलाइज़ हो चुका। अब हम आते हैं हमारे रजिस्टर पेज पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रजिस्टर पेज पे जो भी डेटा हमने यूआई क्रिएट कर दिया था ऑलरेडी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब रजिस्टर पेज पे हमने यूआई डिज़ाइन कर दिए थे, ठीक है। ऐसा यूआई हमने क्रिएट किया था जिसमें नेम, ईमेल और पासवर्ड हमको हम यूज़र से लेते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ है, इन वैल्यूज़ को कैसे हम ले सकते हैं अपने कोड में, वो आप देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोलर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और हम यहाँ पे एक नेम कंट्रोलर क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम जो भी यूज़र यहाँ पे नेम में टाइप करेगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेम कंट्रोलर हमने एक क्रिएट कर दिया। वैसे ही मैं ईमेल और पासवर्ड के भी क्रिएट कर देता हूँ। ईमेल कंट्रोलर के लिए ईमेल कंट्रोलर और पासवर्ड के लिए पासवर्ड कंट्रोलर, ठीक है। अब इसके थ्रू हम जो भी टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने नेम लिए थे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको टेक्स्ट फॉर्म फील्ड कर दूंगा मैं, ताकि हम कंट्रोलर प्रॉपर्टी यूज़ कर पाए। कंट्रोलर में हम नेम कंट्रोलर ले लेंगे, ठीक है। वैसे ही ईमेल में हम यहाँ पे सेट कर देंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और कंट्रोलर में यहाँ पर हम लोग ईमेल कंट्रोलर ऐड कर देंगे। वैसे ही आपको पासवर्ड के लिए भी करना है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड कंट्रोलर में पासवर्ड कंट्रोलर, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंट्रोलर सेट। अब जब भी इस बटन पे क्लिक होगा, तो ये बटन हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, एलिवेटेड बटन साइन अप, ठीक है। इसके ऑन प्रेस्ड इवेंट पे मैं एक क्रिएट अकाउंट नाम की मेथड कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले क्रिएट अकाउंट मेथड कॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम उसको क्रिएट करेंगे, वॉइड क्रिएट अकाउंट, ठीक है। ये क्रिएट अकाउंट की मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ट्राई, ठीक है। अगर ये ट्राई नहीं होता है तो हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन लेंगे, फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन, और उसको कैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ई, और जो भी अगर एरर आता है, कुछ भी हम यहाँ पे जैसे रजिस्टर करेंगे और वैल्यूज़ डालने के बाद कुछ भी एरर आता है, तो यहाँ पे वो एरर प्रिंट कर देगा। अब ट्राई में आपको क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ ऐड की हुई है, जैसे नेम है, तो हम उसको नेम कंट्रोलर जो हमने ऊपर क्रिएट किया है उसके थ्रू हम वैल्यू लेंगे और उसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम से क्या होगा, जो भी एम्प्टी स्पेस रहेगी वो प्रॉपरली वहाँ पे डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पे ईमेल हम लेंगे ईमेल कंट्रोलर की मदद से, हम यहाँ पे ईमेल के अंदर जो भी ऐड होगा वो इस वेरिएबल में ऐड करेंगे। सिमिलरली हम पासवर्ड भी ले लेंगे और पासवर्ड कंट्रोलर में उसको ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक फायरबेस
ऑथ मेथड हम कॉल करेंगे, ठीक है, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस क्रिएट ईमेल विथ क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। अब ईमेल में क्या ऐड करेंगे, जो भी ईमेल ऐड हुआ, और पासवर्ड में जो भी पासवर्ड यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड सेट, बट जो ये नेम है अब ये कहाँ पे स्टोर होगा, तो इसको पहले रन करके बताता हूँ मैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ram@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, ठीक है, इसको साइन अप करता हूँ। अब इसको अपन देखते हैं यहाँ पे कि ये ऐड हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में ये राम नाम का जो भी एड्रेस था, ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड हो गया, और इसकी यूज़र आईडी ये है, ठीक है। बट अब जो नेम है, हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक यूज़र्स नाम का जो एक कलेक्शन हम क्रिएट करेंगे, इसको ऑटो आईडी दे देंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो इस यूज़र्स कलेक्शन में वो सारी डिटेल्स भी ऐड हो जाए जो एक्स्ट्रा की है, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे वो अब कवर करते हैं। तो उसके लिए आपको फायरबेस फायर स्टोर का यूज़ करना होगा, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड फंक्शन है और ये फायर स्टोर से रिलेटेड है। तो इसमें हमने जो एक कलेक्शन है हमारा वो है यूज़र्स नाम का, उसमें हम एक डॉक क्रिएट करेंगे और उसमें हम सेट करेंगे जो भी हमारी डिटेल्स हैं उसको। तो सेट करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट प्रॉपर कवर करने पड़ेंगे आपको इस तरीके से। अब आपको क्या क्या सेट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे नेम हमें करना है तो हम यहाँ पे नेम से नेम ले लेंगे, ये वाले नेम स्ट्रिंग से। हम यहाँ पे ईमेल भी स्टोर कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे पासवर्ड भी दे सकते हैं लाइक दिस। और आपको अगर डेट भी चाहिए कि कब वो यूज़र क्रिएट हुआ, तो आप वहाँ पे डेट टाइम का यूज़ करके डेट टाइम डॉट नाउ इसका यूज़ करके यहाँ पे यूज़र की कब यूज़र क्रिएट हुआ वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑथेंटिकेशन तो होगा ही होगा, साथ में ये कलेक्शन भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो हम लिखते हैं प्रिंट यूज़र अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ताकि हमें पता चल जाए कि यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है क्रिएट अकाउंट। अब जैसे ही ये क्रिएट अकाउंट यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद में हमको उसको लॉगिन पेज पे लेके जाना है, तो वो रिडायरेक्शन का कोड भी हमें यहाँ लिखना होगा। इसको है ना हम लोग को यहाँ पे अवेट करना होगा, इसको मैं असिंक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको सेटिंग पहले करना है, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तब तक ये क्रिएट नहीं होगा, तो ये प्रॉपरली आपको सेट करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, पहले ऑथेंटिकेशन नहीं भी हुआ है तो भी वो यूज़र क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए उसको वेट करना होगा, पहले प्रॉपरली हो जाए सब चीज़ें, फिर वो फायर स्टोर में उसका डेटाबेस क्रिएट करे, राइट। नहीं तो क्या होगा, अननेसेसरी एंट्रीज क्रिएट होती जाएगी। अब यहाँ पे साइन अप करते हैं इसको sham@gmail.com, साइन अप। पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, तो ये प्रॉपरली यहाँ पे देता है एरर, तो 6 कैरेक्टर्स तो भी आपके होने ही चाहिए। यूज़र अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं sham@gmail.com क्रिएट हो चुका है यूज़र, ये ऑथेंटिकेट हुआ है। अब उसको डेटाबेस में उसके जो नेम वगैरह है वो सारी चीज़ें एंटर हुई है कि नहीं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो sham@gmail.com यहाँ पे एंटर हुआ है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये 2 बार क्रिएट हुआ लाइक दिस, ठीक है। इसका पासवर्ड हमने ABCDEF रखा है और ईमेल ये रखा है। अब इसके बेसिस पे हमको लॉगिन करना है। तो अब जब ये चीज़ हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगा अकाउंट, तो हमको इसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको याद होगा नेविगेटर यूज़ किया था, तो पुश नेम्ड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे जहाँ पे भी उसको भेजना है, तो हम लॉगिन पे भेजेंगे तो वो लॉगिन पे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ले नहीं रहा है, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ करना होगा, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और जहाँ से भी आप ये ले रहे हैं
जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएट अकाउंट मेथड कॉल हो रही है कब, जब ये बटन क्लिक हो रहा है, तो इस बटन पे आपको कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेट करना होगा। अगर आपको रजिस्टर स्क्रीन से लॉगिन स्क्रीन पे जाना है तो आपको रजिस्टर स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट भेजना होगा जो आपको मिलेगा इस बिल्ड से, ठीक है, इस मेथड से। और अगर आपको लॉगिन से रजिस्टर पे आना है तो आपको लॉगिन का कॉन्टेक्स्ट सेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हमने कुछ भी पास नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कॉल बैक क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पे एक कॉल बैक क्रिएट करते हैं जो हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये एक फंक्शन में क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, जिसके थ्रू आप कॉन्टेक्स्ट ले पाएंगे। जैसे वॉइड फंक्शन हम एक क्रिएट करेंगे इस नाम से, जिसमें कॉन्टेक्स्ट ये रिटर्न करेगा। रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे जो भी हमें हमारी जो मेथड है, जैसे क्रिएट अकाउंट हमारी है उसमें हम कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ये साइन अप बटन क्लिक होगा, यहाँ पे एक कॉल बैक कॉल होगा जिसमें कॉन्टेक्स्ट उसको मिलेगा, और वही कॉन्टेक्स्ट हम इस क्रिएट अकाउंट में पास करेंगे जिसके थ्रू हमें ये कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक यूज़र क्रिएट कर देता हूँ rama@gmail.com, और पासवर्ड यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, जब भी यूज़र क्रिएट होगा तो वो हमें यूज़र क्रिएट करने के बाद में लॉगिन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यही होता है नेविगेटर का यूज़। और इसके लिए आपको ये कॉल बैक प्रोवाइड करना ज़रूरी है टू गेट दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे यूज़र भी क्रिएट हो गया, ऑथेंटिकेशन में आप देख सकते हैं रामा नाम के यूज़र क्रिएट हो गए, ठीक है। अब ये डबल ए वाला है, ये पहले वाला ए वाला था, तो इसको रिमूव भी कर दिया तो चलेगा। अब हम देखते हैं कि इसको लॉगिन कैसे करना। तो उसके लिए आपको लॉगिन पेज पे आना होगा, ठीक है। तो लॉगिन पेज पे यहाँ पे ये मैं कोड रिमूव कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन मेथड यहाँ पे क्रिएट करना है। ये लॉगिन मेथड कब कॉल होगी, जब भी यहाँ पे साइन इन बटन क्लिक होगा। तो लॉगिन मेथड में आपको सबसे पहले असिंक यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल ले लेना है, ठीक है। तो ईमेल के लिए आपको एक ईमेल कंट्रोलर लगेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे ईमेल कंट्रोलर लेते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर होगी वो वैल्यूज़ हमें लेनी होगी। तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के थ्रू हम यहाँ पे ईमेल कंट्रोलर ले लेंगे, ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। सिमिलरली यहाँ पे हम पासवर्ड कंट्रोलर भी ले लेंगे, तो इससे हमें दोनों कंट्रोलर मिल गए। अब आपको यहाँ पे सेटिंग करना होगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया था पहले एपिसोड में, यहाँ पे कंट्रोलर आपको ऐड करना है, ईमेल कंट्रोलर, ठीक है। सिमिलरली टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यहाँ पे आपको एक कंट्रोलर ऐड करना है, पासवर्ड कंट्रोलर। और जब भी ये बटन क्लिक होगा, साइन इन बटन, तो हम यहाँ पर एक ऑन प्रेस इवेंट पे हम एक कॉन्टेक्स्ट हम ऐड करेंगे, गेट लॉगिन मेथड कॉल बैक, ठीक है। जैसे हमने रजिस्टर में सेट किया था, और इसमें हम कॉन्टेक्स्ट सेंड कर देंगे। अब यही मेथड को हमको यहाँ पे रिटर्न करना होगा, यहाँ पे इसमें हम कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे जो भी ऊपर से आ रहा है, कौन से स्क्रीन से किस स्क्रीन पे हमें जाना है उसका ये हमें प्रोवाइड कर देगा। अब इसको हम रिटर्न कर देंगे कि जब भी कॉल बैक मिले तो इस मेथड में वो कॉन्टेक्स्ट सेंड कर दीजिए ऐसे, और यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट सेंड कर देंगे। इसमें आप वो ले सकते हैं जो भी ऊपर से आ रहा है पैरामीटर, लाइक दिस, ठीक है। अब ईमेल कंट्रोलर हमारा रेडी है, तो ईमेल कंट्रोलर से हम वैल्यूज़ को ले लेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ये जो मेन मेथड है, जो क्लास है हमारी, इस क्लास के अंदर ही आपको इसको लिखना होगा, ठीक है, नहीं तो आपको वो ईमेल कंट्रोलर नहीं मिल पाएगा। तो ईमेल कंट्रोलर यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो हम ले लेंगे, उसकी टेक्स्ट हम ले लेंगे और उसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली पासवर्ड भी हम यहाँ से ले लेंगे, पासवर्ड कंट्रोलर से, और उसको ट्रिम कर देंगे लाइक दिस। अब हम साइन इन करेंगे, ठीक है। साइन इन कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्राई, और जो भी एक्सेप्शन आएगा
फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन पे वो एक्सेप्शन कैच कर लेंगे हम लोग, और जो भी एरर आएगा उसको वो प्रिंट कर देगा लाइक दिस एरर दिस। ठीक है, अब जो भी ट्राई में आपको लिखना है वो है फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, और आपको यहाँ पे देखेंगे साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड है, बस ये आपको लिख देना है यहाँ से। आप ईमेल आपके पास अवेलेबल है इस वेरिएबल में और पासवर्ड भी आपके पास अवेलेबल है लाइक दिस। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, यूज़र को फाइंड कर लेंगे और इसको स्टोर कर देंगे हम लोग एक यूज़र, इसको हम स्टोर कर देंगे एक यूज़र नाम के इसमें, फायरबेस यूज़र। ठीक है, उसको मैं नाम दे देता हूँ फायरबेस यूज़र। अब जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो भी यहाँ पे यूज़र हमने स्टोर किया, ये यूज़र आपको यहाँ पे स्टोर करना होगा। ठीक है, अब ये अवेट इस असिंक का कनेक्शन है। ठीक है, जब भी ये चीज़ जब तक नहीं होगी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड इस फायरबेस ऑथ से निकाला। ठीक है, इस मेथड की मदद से हम चेक करेंगे कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र जो यहाँ पे अवेलेबल है, जो यहाँ पर ये जो यूज़र्स अवेलेबल है ये ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, मतलब ये ईमेल और पासवर्ड के यूज़र्स है कि नहीं। तो वहाँ से हमने एक यूज़र निकाला और उसको फायरबेस यूज़र में रख दिया। अब हम चेक करेंगे कि वो यूज़र अगर नल नहीं है, दैट मीन्स कि यूज़र वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और उससे हम क्या करेंगे एक पुश लगाएंगे कि अगर यूज़र अवेलेबल है तो उसको होम स्क्रीन पे हम सेंड कर देंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे हम एक होम स्क्रीन पे उसको भेज देंगे अगर यूज़र अवेलेबल है तो, और अगर नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे कि आपने ईमेल और पासवर्ड गलत तरीके से लिखा है, उसको आप सही लिखिए, चेक ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, अब ये होम जो है ये हमने क्रिएट नहीं किया है, तो होम स्क्रीन हम पहले क्रिएट कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेटफुल stfl आप टाइप करेंगे तो आपका एक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो इसको मैं होम स्क्रीन दे देता हूँ। ठीक है, अब हमें लगेंगे पैकेज, तो इंपोर्ट करेंगे हम पैकेज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक स्कैफोल्ड क्रिएट कर देंगे, उसके अंदर हम ऐप बार ऐड करेंगे, तो उसे हमें एक ऐप बार मिल जाएगा, उसमें टाइटल उसको मैं होम स्क्रीन दे देता हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ी सी एक्शंस क्रिएट कर देंगे ताकि क्या हो कि जब भी एक साइन आउट बटन में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, जैसे ही वो साइन आउट बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पर वो क्या होगा, साइन आउट बटन पे क्लिक करने पे वो लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जेस्चर डिटेक्टर से मैं एक एक्शन क्रिएट करूँगा यहाँ पे, और उसके ऑन टैप मेथड पे हम लोग साइन आउट मेथड कॉल करेंगे। तो साइन आउट मेथड के लिए आपको क्या करना होता है, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट, ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी बहुत सारी अवेलेबल है मेथड, आप देख सकते हैं फायरबेस ऑथ लिखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे आप डॉट लिखेंगे ना तो आपको सारी मेथड्स यहाँ पे मिल जाती है, जैसे पासवर्ड रीसेट, ईमेल, ऐसे बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो साइन आउट का यूज़ करके हम उसको कर देंगे और यहाँ से हम पुश कर देंगे उसको, जैसे ही लॉग आउट होगा तो वो फिर से अपने लॉग इन स्क्रीन पर पहुँच जाएगा। ठीक है, और ये कब होगा, जब एक आइकन मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, आइकन लॉग आउट का आइकन हम यूज़ करेंगे लाइक दिस, जैसे ही ये आइकन पे क्लिक होगा वो इस स्क्रीन पे पहुँच जाएगा, किस पे, लॉग इन पेज पे। और होम पेज, जब भी यूज़र अगर सक्सेसफुली साइन इन हो गया तो वो होम स्क्रीन पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक कॉन्टेक्स्ट राउट में सेट करना होगा, जैसे होम मैंने लिखा तो वो होम स्क्रीन पे पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लॉगिन करके देखते हैं। तो हमने जो यूज़र क्रिएट किया था रामा नाम का, उसी का ही नाम यूज़ करते हैं, rama@gmail.com, और यहाँ पे
पासवर्ड मैं दे देता हूँ, साइन इन कर देते हैं, ठीक है। तो होम स्क्रीन पे उसने हमको रिडायरेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं ऐप को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे रिस्टार्ट करता हूँ ऐप को, तो फिर से वो यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे आ जाता है। अब सपोज़ मैं गलत एड्रेस डालता हूँ, ठीक है, पासवर्ड में गलत डालता हूँ, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड इज़ इनवैलिड और द यूज़र डज नॉट हैव द पासवर्ड। तो पासवर्ड प्रॉपरली वो चेक कर लेता है प्रॉपर, ठीक है, ABCDEF साइन इन। तो ये हो गया हमारा होम स्क्रीन का सेट। अब जब भी मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो ये हमें ईमेल पे ही लेके जा रहा है, मतलब लॉगिन स्क्रीन पर ही लेके जा रहा है। तो हमें यहाँ पे सेट करना होगा कि अगर यूज़र ऑलरेडी साइंड इन है तो उसको होम स्क्रीन पर ही रहने दो, अदरवाइज़ उसको लॉगिन स्क्रीन पर भेजो, जनरली जो फ्लो रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन डॉट डार्ट में यहाँ पे सेटिंग करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको मेन स्क्रीन स्टेट में यूज़र एक क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब इसमें आपको एक इनिट स्टेट नाम की मेथड रहती है, ये मेथड सबसे पहले कॉल होती है जब भी ऐप कॉल होता है ना, तो सबसे पहले ये मेथड कॉल होती है ऐप साइकिल में। तो यहाँ पर आपको सेट कर देना है कि फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, जो भी यूज़र है अगर वो यूज़र अवेलेबल है यहाँ पर, तो उसको हम यूज़र नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, करंट यूज़र में ऐसे। और यहाँ पे हम इनिशियल राउट में यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर यूज़र नल नहीं है, यूज़र अगर अवेलेबल है तो उस केस में आप इसको होम स्क्रीन पर भेज दीजिए, अदरवाइज़ लॉगिन स्क्रीन पर उसको भेज दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। यूज़र अगर नल नहीं है, मतलब यूज़र अवेलेबल है, जो ये वाला यूज़र हमने यहाँ से लिया फायरबेस और करंट यूज़र से, अगर ये अवेलेबल है तो होम स्क्रीन पर, नहीं तो फिर लॉगिन स्क्रीन पर। तो इससे सेटिंग हो जाएगी। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। इसको लॉग आउट कर देता हूँ मैं पहले। अब यहाँ पे मैं फिर से एक वही यूज़र एड्रेस डाल देता हूँ, साइन इन कर देते हैं, ठीक है। अब ये हम इसको रीस्टार्ट करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन पर ही ओपन हुआ। जब हम इसको लॉग आउट करेंगे तभी ये यहाँ पर आएगा। अभी हम इसको फिर से एक बार रीस्टार्ट करते हैं, देखिए अब होम स्क्रीन पर ही वो आ रहा है। अब इसको साइन आउट करके अब रीस्टार्ट करेंगे तो आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा लॉग इन का फंक्शनैलिटी। अब हमने साइन अप और लॉग इन का फंक्शनैलिटी देख लिए। अब बारी आती है फॉरगॉट पासवर्ड की। तो फॉरगॉट पासवर्ड के लिए आपको एक फॉरगॉट पासवर्ड नाम की फ़ाइल क्रिएट करना होगा। तो वो फ़ाइल कैसे क्रिएट करेंगे, आप यहाँ से जावा में न्यू डार्ट फाइल, यहाँ पे आप लिखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड डॉट डार्ट, ठीक है। इससे आपके जो फॉरगॉट पासवर्ड वाली फ़ाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। अब उसका कोड पूरा देखते हैं कि कैसे आप फॉरगॉट पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लॉगिन स्क्रीन का जो भी कोड है वो यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे और यहाँ पे हम उसको फॉरगॉट पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब हमें फॉरगॉट पासवर्ड में सिर्फ ईमेल चाहिए, बाकी सब हम रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसको फॉरगॉट पासवर्ड कर देता हूँ, देखिए ईमेल कंट्रोलर हमें चाहिए, बाकी चीज़ें जो भी है वो हम रिमूव कर देंगे, जैसे पासवर्ड का हमें नहीं चाहिए। और साइन इन की जगह पे मैं उसको फॉरगॉट पासवर्ड यूज़ कर दूंगा। ये पूरा कोड लॉगिन पेज का ही है, उसी को ही हम रीयूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ये रो पूरा रिमूव, ठीक है, ये चीज़ें रिमूव कर देते हैं अभी, लाइक दिस। अब लॉगिन पेज पे फॉरगॉट पासवर्ड पे हमें सेट करना होगा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ जैसे ही फॉरगॉट पासवर्ड जहाँ पर भी वर्ड आएगा तो वो हमें इस स्क्रीन पर भेज देगा, देखिए। तो यहाँ पे सिर्फ ईमेल हमें क्लिक ईमेल प्रोवाइड करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करेंगे तो हमको एक ईमेल आ जाएगा, उस ईमेल से हम रीसेट कर सकते हैं, ठीक है।
आपको क्या करना होगा उसके लिए, तो सबसे पहले आपको फॉरगॉट पासवर्ड में यहाँ पे ऑन प्रेस्ट पे कॉल बैक प्रोवाइड करना है, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे किए थे लॉगिन और रजिस्टर में, फॉरगॉट पासवर्ड कॉल बैक, ठीक है। यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट सेंड कर देंगे। अब इसी को ही यहाँ पे हमें लिखना होगा जिसकी मदद से हम लोग कॉन्टेक्स्ट ले पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और इसको रिटर्न कर देंगे जब भी होगा, तो हमें ये मेथड में कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देना ऐसे, ठीक है। अब ये मेथड क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे वॉइड फॉरवर्ड पासवर्ड, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऊपर से जो भी आ रहा है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और असिंक का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोलर लगेगा, तो यहाँ पे ईमेल कंट्रोलर हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम यहाँ पे ईमेल ले लेंगे, ठीक है। ईमेल कंट्रोलर से यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेंगे, उसको ट्रिम कर देंगे। अब आपको ट्राई करना है, ठीक है, ऑन फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन पे कैच करेंगे हम जो भी एरर आ रहा है और उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस का यूज़ करके सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, और जो भी ईमेल होगा यहाँ पे वो हम प्रोवाइड कर देंगे, और उसके देन मेथड से हमें ये पता चल जाएगा कि पासवर्ड का जो भी ईमेल है वो सेंड हो चुका है, ठीक है। और जब भी ये हो जाएगा उसके बाद में हमें उसको लॉगिन स्क्रीन पर प्रोवाइड सेंड कर देना है फिर से, राइट। यानी जब भी वो हो जाएगा कंप्लीट प्रोसेस रीसेट पासवर्ड का, तो उसको हमको लॉगिन स्क्रीन पर फिर से भेज देना है। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ईमेल में करेक्ट वाले डाल देता हूँ यहाँ पे, या फिर एक प्रॉपर यूज़र ही क्रिएट कर देते हैं, राइट। उससे क्या होगा, ईमेल सही जगह पहुँच जाएगा। अब सब ठीक है, यहाँ पे मैं एक ओरिजिनल यूज़र रजिस्टर कर देता हूँ, जैसे मैं मनीष लिखता हूँ teamcodesify@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, साइन अप। अब देखते हैं ये यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं, ठीक है, ये यूज़र क्रिएट हो चुका। अब हम यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं और मैं यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, फॉरगॉट पासवर्ड। अब यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि मेल मुझे आया है कि नहीं, ठीक है, रीसेट पासवर्ड का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉलो दिस लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, तो जो भी मेरा न्यू पासवर्ड है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, मेरा यहाँ पे पासवर्ड सेट हो चुका। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वही पहले ओल्ड पासवर्ड यूज़ करके देखता हूँ वो चल रहा है कि नहीं, ठीक है, उसे लॉगिन करके देखता हूँ तो क्लैरिटी आ जाएगी, द पासवर्ड इज़ इनवैलिड और यूज़र डज नॉट हैव अ पासवर्ड। लेकिन अगर मैंने जो अभी नया पासवर्ड ऐड किया वो अगर मैं देता हूँ इसको और फिर साइन इन करता हूँ, तो वो अकाउंट पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ईजी तरीके से हमने लॉगिन साइन अप और फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी हैंडल की फ्लटर फायरबेस के थ्रू। आई होप कि आपके सारे डाउट्स फ्लटर और फायरबेस से रिलेटेड जो भी होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।